चाहते हैं आप मीडिया से? देखिए, जैसा कि सभी को इस मामले में जानकारी है, हमारे नेता आदरणीय श्री स्वामी प्रसाद मौर्य, जिन्होंने कल मंत्रालय से और पार्टी से भी इस्तीफा दिया है, हम सब उनके साथ उनकी बातों को समर्थन करते हुए, उनके बयानों को समर्थन करते हुए आज भारतीय जनता पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से हम, हमारे साथी जिला पंचायत लड़े चुनाव, आदरणीय सभासद जी बैठे हैं, उमेश यादव जी, मंजीत यादव जी मंडल के उपाध्यक्ष हैं, ताहा से मंजीत जी, राहुल यादव मंडल अध्यक्ष, डॉक्टर ब्रजवीर सिंह पूर्व प्रत्याशी रहे, और तमाम तीनों मंडलों की हमारे पास लिस्ट है। सैफई मंडल की, सरियर मंडल की और ताखा से, ये तमाम लोग भारतीय जनता पार्टी से आज प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे रहे हैं, और तमाम मेरे सेक्टर के संयोजक केशव जी हैं, यहाँ सौरभ जी, तमाम पदाधिकारी भारतीय जनता पार्टी के आज हाथ उठाकर हम लोग भारतीय जनता पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे रहे हैं। कैसी नाराजगी है इस्तीफा आज आचार संहिता के लगने के बाद ही क्यों? देखिए, उसका एक कारण भी है। भारतीय जनता पार्टी की टिकट पर 2017 में जसवंत नगर से चुनाव लड़े और कार्यकर्ताओं ने संघर्ष करके 75,000 वोट तक भारतीय जनता पार्टी के रूप में, प्रत्याशी के रूप में मुझे पहुंचाया, और 5 साल हो गए जिस भारतीय जनता पार्टी ने कहा था कि गाय माता सुरक्षित हो जाएगी, गंगा की सफाई हो जाएगी, आम आदमी का विकास हो जाएगा, नौजवानों को रोजगार मिल जाएगा, किसानों की आय दुगुनी हो जाएगी, ये सब खोखले वादे भारतीय जनता पार्टी के निकले। 5 साल तक जो तमाम प्रकार की चीज़ें होती रहीं, हम लोग पार्टी के प्लेटफॉर्म पर रखते रहे, अपने पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष माननीय मुख्यमंत्री जी को हमेशा अवगत कराते रहे, और पार्टी में जब कार्यकर्ताओं का ही कोई कार्य नहीं हुआ, कार्यकर्ताओं की अनदेखी करते रहे, सिर्फ मुख्यमंत्री जी एक जात वर्ग के व्यक्तियों को ही आगे बढ़ाने का इन्होंने काम किया, जबकि हमारे बैकवर्ड शेड्यूल कास्ट का सबका इन्होंने वोट लिया था। इनका नारा था कि सबका साथ और सबका विकास। सही बात तो इनका सबका साथ और सबका विकास का नारा इनका झूठा साबित हुआ। सबका साथ तो उन्होंने लिया, लेकिन विकास अपने कुछ लोगों को दिया, इसके अलावा इस सरकार ने विकास किसी का भी नहीं किया। किस वर्ग का विकास किया, किसका साथ दिया? देखिए, इस प्रदेश के मुख्यमंत्री जिस वर्ग के हैं, अपने वर्ग का ही कर पाए, मैं वर्ग का नाम तो नहीं लूँगा, लेकिन मुख्यमंत्री सिर्फ अपने वर्ग के, जितने DM सबसे ज़्यादा पोस्टिंग किसकी है, SSP के सबसे ज़्यादा प्रदेश में पोस्टिंग किस वर्ग के लोगों की है, आप तो मीडिया के लोग, आपको सब पता है। और हमारे नेता ने कहा कि शोषित तबे कुचले बैकवर्ड शेड्यूल कास्ट के लोगों को इन्होंने उचित सम्मान नहीं दिया, हमारे बारे में सुना नहीं गया, और भारतीय संविधान के साथ खिलवाड़ करने का काम अगर कोई कर रहा है तो भारतीय जनता पार्टी कर रही है। अच्छा, तो ये बताइए कि अगर आचार संहिता लग गई, इसके बाद ही आपको वंचित शोषित अपने समाज की शिकायत याद आई, इससे पहले क्यों नहीं आपने ऐसी? आचार संहिता लगने तक पार्टी का, तब तक पार्टी के हाथ में पूरी कमान थी। अगर भारतीय जनता पार्टी चाहती आचार संहिता लगने से पहले तक हम सबके कार्यकर्ताओं को प्रसन्न कर सकती थी, हम सब कार्यकर्ताओं के जांच मांगे तो वो काम कर सकती थी, युवाओं के लिए काम कर सकती थी, गाय माता के लिए काम कर सकती, जिसके नाम पर उन्होंने सरकार बनाई, वो गाय एक एक गौशाला में 20-20 गाय रोज मर रही है। मैं ऐसी स्थान अभी खोलूंगा, आगे चल के बात करूंगा कि जहां गाय की कितनी दुर्दशा हुई। इसलिए झूठ प्रमाण झूठ भारतीय जनता पार्टी बोलती है तो झूठा के घर तक जाना चाहिए। हम लोगों ने अंतिम सरकार के दिन तक प्रयास किया कि कार्य सही हो, और जब नहीं हुए उसके बाद अपने रास्ते अलग किए। मनीष जी, इस्तीफा देने के बाद में अगली रणनीति क्या होगी आपकी? हम लोग स्वामी प्रसाद मौर्य जी के स्वामी भक्त हैं, और हमारे नेता हैं स्वामी प्रसाद मौर्य। स्वामी प्रसाद मौर्य जिस दल में जाएंगे या दल बनाएंगे, उसके साथ हम सब उनके साथ हैं। कहीं ब्लैकमेलिंग की तो नहीं है राजनीति में? किसे ब्लैकमेल कर, शायद अब टिकट को लेकर के या ऐसी? हम जब भारतीय जनता पार्टी से इस्तीफा दे रहे हैं, फिर टिकट के मामला का, टिकट तो हमारा आज भी क्लियर है, टिकट तो भारतीय जनता पार्टी आज भी मुझे दे रही है, लेकिन मैं उस भारतीय जनता पार्टी के झूठे वादे लेके, आप एक बार इतने प्रेस के लोग बैठे हैं, आज हम लोग भारतीय जनता पार्टी का कौन सा काम लेके गाँव में वोट मांगने जाएंगे? क्या उन्होंने एक सड़क बनाई? क्या उन्होंने गांव का विकास किया? बिजली विभाग ने गांव के लोगों को लूट कर रख दिया, उसके बाद कह रहे हैं कि आधी अब बिजली का रेट आधा उन्होंने बता दें कर दिया। आप एक बार बताइए, 5 साल तक आप लूटते रहे, 5 साल तक आप दुगना बिजली बिल देते रहे, और जब चुनाव आ गया तब आपको याद आधे कर दें। आपने 5 साल तक एक लैपटॉप की योजना, जो युवाओं को एक नया
सपना सच करने का एक मौका दे सकती थी। 5 साल तक आपने बंद किया, वो जब चुनाव के 15 दिन रह गए तब आप सबको लैपटॉप बांटने लगे। तो लोग समझदार नहीं है क्या? लोग जानते नहीं है जिस गाय के नाम पर सरकार बनाई उस गाय की दुर्दशा कितनी है? तो कितने सदस्य आपके साथ इस्तीफा दे रहे हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी को जनपद इटावा में प्रदेश की रानी तुम्हारे नेता करेंगे। जनपद इटावा में 3 सीटें हरानी है, 3 सीटें हरा के ही हम लोग दम लेंगे। और जो कार्यकर्ता आज मेरे छिड़क सिर्फ फोन से बातचीतता में आज सैकड़ों कार्यकर्ता यहाँ आ गए हैं, इनके साथ आज हमने भारतीय जनता पार्टी छोड़ी है और ये सिलसिला निरंतर जारी रहेगा। तमाम बूथों पर, तमाम सेक्टरों पर कार्यक्रम होंगे और भारतीय जनता पार्टी को के कार्यकर्ताओं को छुड़वाकर सही जगह मौर्य जी के साथ अपने नेता के साथ ले जाके कार्य करने का काम करेंगे और भारतीय जनता पार्टी को 3 सीटें जनपद इटावा में हरवाने के ही दम लेंगे। आज कितने सदस्य आपको लिखे को दिए हैं, कितने सदस्य लोग हैं? जिन लोगों की फोन से वार्ता और जो लोग यहाँ उपस्थित हैं, संख्या लगभग 3 दर्जन लोग हैं, 2 से 3 दर्जन लोग हैं जो मेरे साथ आज भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता से इस्तीफा दे रहे हैं। इसमें प्रमुख तौर पर पदासीन कौन कौन है जिनको जिम्मेदारियाँ मिली? ये पदासीन जैसे सभासद हैं यहाँ से भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर, आप इसमें सैफई सरियर मंडल के मंडल अध्यक्ष हैं मन्नो यादव जी, आप सैफई मंडल के मंडल अध्यक्ष हैं राहुल जी, और ताखा से अपने कॉपरेटिव बैंक के अध्यक्ष हैं संघ के, पूर्व में जिला पंचायत का चुनाव भी लड़े मंजीत जी, और वहाँ जितने सेक्टर संयोजक या शक्ति केंद्र प्रमुख जो बोलते हैं भारतीय जनता पार्टी में, और मंडल के पदाधिकारी सबकी लिस्ट है, वही सब लोग आज हैं। आज बूथ से नीचे का कोई पब्लिक का कार्यकर्ता नहीं, आज भारतीय जनता पार्टी के दौर है। कितना नुकसान हो गया भाजपा जी? अभी नहीं, जब तक आपके पूरे ना हो जाए साथ मिलकर, तब तक पूरे कैसे होंगे बताइए। देखिए, मैं एक बात प्रेस के माध्यम से कहना चाहता हूँ, भारतीय लोगों कह रहे हैं कि बेटियां सुरक्षित हैं, बेटियों के बलात्कार कहाँ से हो रहे हैं जिनके न्यूज में आ रहा है, लोग कह रहे हैं अपराधी सब टूट गए चले गए, इन्होंने घर तोड़ दिया, बुलडोजर बाबा का तैयार है। अगर बाबा का बुलडोजर तैयार है तो भारतीय जनता पार्टी के जो लोग हैं, धनंजय सिंह क्रिकेट खेल रहे हैं, प्रिया सिंह का घर नहीं टूटा, यहाँ सिर्फ मुख्तार अंसारी और इन लोगों के घर टूटे हैं, लेकिन जो सजाती टॉप 10 में उत्तर प्रदेश में लोग हैं, बाबा का बुलडोजर उधर तो टूटता भी नहीं। इस सरकार के माध्यम से इस प्रदेश के मुख्यमंत्री ने सिर्फ अपनी दुश्मनी निपटाने का काम किया है, न कि किसी को गुंडे खिलाफ काम करने, इसलिए बाबा का बुलडोजर सिर्फ उनके विरोधियों पर चलता है, गुंडों पर नहीं चलता, गुंडों को पालने का काम करती है भारतीय जनता पार्टी। अब आप बताएं, भारतीय जनता पार्टी के जो मंत्री हैं, नेता हैं, वो ये कह रहे हैं कि मतलब ये जो टिकट इनको नहीं मिलना था इसलिए भी इन्होंने ये इस्तीफा दिया है, भारतीय जनता पार्टी के अगर टिकट नहीं मिलना ये कोई घोषणा क्या की है भारतीय जनता पार्टी? अभी एक ही उत्तर प्रदेश 403 में से एक भी भारतीय जनता पार्टी ने टिकट क्लियर नहीं किया, तो ये कैसे पता किसी कट रही है आपको भारतीय जनता पार्टी के अंदर कैसे पता? ये तो भारतीय जनता पार्टी जब लोग चले जाते तब कहती है। कुछ नाम ऐसे साबित हो रहे हैं जिनके मतलब नाम काटे जा रहे हैं, तो इसीलिए इस्तीफा दिया है। देखिए, पहली बात तो मैं विधायक 48 में हूँ नहीं जी, और भारतीय जनता पार्टी पर प्रत्याशी यशवंत नगर में पहले भी नहीं था और अब भी नहीं है। टिकट काटने की बात यह है कि देखिए, राजनीति समाज और धर्म नीति से बड़ी नहीं है, पहले समाज और सम्मान, और जिस पार्टी में सम्मान ही नहीं है, जिस पार्टी में समाज के लिए काम नहीं कर सकते, अपने लोगों के लिए काम नहीं कर सकते हैं, सिर्फ उनके लिस्ट पर काम करिए, जो ऊपर से परफॉर्म आ जाए तो उसी पर काम करोगे, तो हम लोग बधुआ मजदूर नहीं है, हम लोग समाज के लिए काम करने वाले लोग हैं और सर्व समाज के लिए काम करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। इस चुनाव में आप मैदान में उतरने वाले हैं? देखिए, हमारे नेता आदरणीय स्वामी प्रसाद मौर्य इस चीज़ का निर्णय करेंगे कि वो हमको चुनाव में लड़ाएंगे उतारेंगे या किसी को दल में जाएंगे या हमको पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में काम करने का मौका मिलेगा। हम अपने नेता के साथ हैं, अगर वो जैसा हमारे साथ लिए आदेश करेंगे, जिस पार्टी के लिए आदेश करेंगे, हम उस पार्टी के प्रत्याशी के लिए, उस पार्टी के लिए कार्य करेंगे, चाहे वो दल कोई भी हो। आपकी व्यक्तिगत पार्टी कोई पसंदीदा पार्टी हो? नहीं, मेरे मौर्य स्वामी प्रसाद मौर्य जी जो ये हमारे पसंदीदा है, वो जिस पार्टी में, वही पसंदीदा पार्टी है। जब आपने भाजपा ज्वाइन की थी तो आप पार्टी की नीतियों से प्रभावित होते हैं या स्वामी प्रसाद मौर्य भाजपा में थे इसलिए आप भाजपा में? देखिए, जब मैंने भाजपा ज्वाइन की थी उस समय स्वामी प्रसाद मौर्य जी भारतीय जनता पार्टी में ही थे, उनसे मैंने पहले ज्वाइन की। भारतीय जनता पार्टी की नीतियों को पसंद करके हम भारतीय जनता पार्टी में गए थे।
और जो नीतियों उन्होंने कहा सबका साथ और सबका विकास, उनका ये झूठा दावा, सिर्फ सबका साथ तो दिया, विकास सिर्फ उन्होंने अपना दिया। आज हमारे वो नेता है, आज मेरे वो नेता है, उनके साथ बसपा में थे। हाँ, बसपा से 12 का चुनाव बहुजन समाज पार्टी से लड़ा था। इसलिए मेरा आप सबके माध्यम से ये कहना है कि भारतीय जनता पार्टी को हम लोग छोड़कर आने वाले 2022 के चुनाव में आदरणीय सूर्य प्रसाद मौर्य जी के साथ रहेंगे। वो जिस दल में रहेंगे उस दल में रहेंगे और सर्व समाज के लिए काम करेंगे। इसी के साथ मेरा ये इस्तीफा है, भारतीय जनता पार्टी जो प्रदेश कार्यालय पर।